विभाग को जो हमने डिमांड दी थी, हमारी इनिशियल प्लानिंग तो ये थी कि 50-50 वैगन के दो रैक लगेंगे, जिससे हम 10 एमएलडी पानी डेली का फेरा करेंगे, मतलब 100 लाख लीटर प्रतिदिन का रहेगा। पर अभी चूंकि हमको 30 वैगन ही उपलब्ध हो पाए हैं, और की प्लानिंग अभी रेलवे वाला कोशिश कर रहे हैं दूसरे वैगन उपलब्ध कराने की, एक बार हम 30 वैगन से हम शुरू कर रहे हैं, और संभावित है एक दिन में दो फेरे हम कर पाएंगे, जिससे एक फेरे में जाएगा 1.5 ml, तो दो फेरे में 3 ml पानी डेली जाएगा, मतलब 30 लाख लीटर डेली ले जाएंगे। सर, जो पाली पानी जा रहा है, इसके लिए कहीं राजीव गांधी से अतिरिक्त पानी आया है या जोधपुर के पानी से आपने कुछ कटौती करी है? नहीं, अतिरिक्त पानी नहीं, अपन ने थोड़ी सी जोधपुर सिटी में कहीं कटौती करी है, ग्रामीण में अपन ने कुछ कटौती जरूर करी थी, पर वो इसके लिए नहीं करी थी, अपन ने जोधपुर सिटी के लिए ही कटौती करी थी, ताकि कायलाना तगत सागर में लेवल्स बराबर मेंटेन रहे। बोलते पाली शहर और लगभग आधे पाली जिले की जो वाटर सप्लाई है, वो जवाई पे जो पानी आता है जवाई बांध में, उसके उससे हम देते हैं, और पिछले साल मानसून की बरसात बहुत कम होने के कारण जवाई बांध में पानी बहुत कम आया था, और जो पानी आया था उसको हमने 72 घंटे तक चला के पिछले दिनों में रेन सीजन में, और इस समय तक हमने पूरी गर्मी उसके आधार पर हमने पानी पिलाया है। यहाँ पर अब वर्तमान में जवाई बांध का पानी बिल्कुल सूख चुका है, और अभी हम डेड स्टोरेज से पंपिंग कर रहे हैं, और इसीलिए अब वाटर टैंक के माध्यम से यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं। लगभग हमने प्लान भी किया था, वो 10 ml पानी ट्रेन से ले जाने का प्लान किया था, जिसमें दो रैक से हम पानी ले जाने की बात कर रहे थे, और कम से कम 4 से 5 ट्रेन पानी रैक जा सकें, इस तरह की व्यवस्था हमने शुरू में सोची थी। पर अभी फिलहाल हमारे को केवल 30 वैगन ही मिले हैं, जो बहुत कम आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है, उसके लिए हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट के बराबर संपर्क में हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हमको जल्दी बाकी के वैगन और भी मिल जाएंगे, और यदि हमारे को पूरे वैगन मिलते हैं तो लगभग हम 10 ml पानी जो है वो पानी के लिए लेके। सर, जोधपुर से कितने टूर करेगा ये दिन में? हमने जो प्लान किया है उसके हिसाब से प्रतिदिन एक जो रैक है वो कम से कम दो फेरे करेगी, हम 3 फेरे तक का उसके लिए 3 जो ट्रिप है उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और 2 ट्रिप तो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि भरने में भी समय लगता है और जाने का समय भी लगेगा, खाली होने का समय भी लगेगा। पाली में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा सर? हाँ, इससे एक आंशिक हमको समाधान मिलेगा, कुछ पानी हम ये लेंगे, कुछ डेड स्टोरेज का पानी लेंगे, कुछ नए ट्यूबवेल बनाएं, कुछ जो हमारे पुराने ट्यूबवेल और वेल थे उनको उस पर भी हम टैप करेंगे। अगर यदि बरसात नहीं आती है तो फिर एक अलग और विषम स्थिति होगी, उसके लिए फिर तत्समय जैसी भी स्थिति बनेगी उसके अनुसार वापस से रीप्लान करेंगे, पर फिलहाल तीनों चारों को टैप करके पानी उपलब्ध करा देंगे। मतलब आज यहाँ से जोधपुर से बाहर निकल जाएगा क्या? आज जोधपुर से वैगन निकल जाएगा? हाँ, आज जोधपुर से वैगन निकल जाएगा, क्योंकि आज पहली ट्रेन है, तो हो सकता है इसमें ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि यहाँ की भी व्यवस्था थी और पाली की भी व्यवस्था हम लोग देख के आए थे, कल वहाँ की भी हमारी सारी पूर्ण है व्यवस्थाएं, और हमारा आज के लिए हमारी उम्मीद ये कि हम 2 रैक तो हो जाएंगे, आज 2 ट्रिप हमारे हो जाएंगे। कितने दिन तक चलेगा? जब तक बरसात नहीं आएगी या फिर पेयजल की अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं होती, तब तक तो चलाना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास इसके अलावा उपाय भी नहीं।